ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसमें पहला है एवरेज स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला अगर हम लेते भी हैं तो फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं 5 पार्टिकल है जिनकी एनर्जी है E1 और 6 पार्टिकल है उनकी एनर्जी है E2, तो इनका एवरेज निकालो। तो आप 5 को E1 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 को E2 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 5 + 6 ये नंबर ऐड कर दोगे। अब मैं पूछूं कि DN1 पार्टिकल है उनकी स्पीड है C1, DN2 पार्टिकल है उनकी स्पीड है C2, एवरेज निकालो। तो आप करोगे DN1 C1 + DN2 C2 / नंबर DN1 + DN2। इंटीग्रेशन में करूं यहाँ पे क्या करोगे, समेशन DNICI / summation DNI। इंटीग्रेशन में करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन DN × C / इंटीग्रेशन DN, और इंटीग्रेशन DN का मतलब टोटल नंबर, तो उसको क्या लिख सकते हैं, N। यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। एवरेज स्पीड देखो C बार है, तो यहाँ पर नीचे क्या है, N है, तो ये रहा 1/N। फिर आपके पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 to infinite, और DN को C से मल्टीप्लाई कर किया है, और DNC की वैल्यू जो है वो हमने DNC की वैल्यू ऊपर निकाल रखी थी, लास्ट लेक्चर में निकाली थी, तो वो DNC की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने से जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, रिमेनिंग पार्ट हम कर देंगे। अब एक टेबल दी हुई है आपको, उस टेबल में स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, तो आपके पास इंटीग्रेशन है यहाँ पे x^(n)(e^-bx²dx). हमें देखना है कि हमारा इंटीग्रेशन किससे रिजेंबल हो रहा है। हमारे पास यहाँ पावर 3 है, यानी कि n की जगह हमारे पास क्या है, n^3 है, तो n^3 वाला फॉर्मूला हमारे पास लगेगा वो है 1/2b². b क्या होता है, जो x² यहाँ पे लिखा हुआ उसका कोफिशियंट, यहाँ पे x² में हमारे पास क्या है, b है, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2b². तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन 1/2b² होगा। सी बार के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और बी की वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाल रखी थी m/2 kt, जब वो रखेंगे तो एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी 8 kt/πm। इसके अलावा √mean² स्पीड, इसमें उल्टा चलना है, अगर जो अणु दिए हुए हैं उनकी सबसे पहले स्पीड लेनी है, स्पीड का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का एवरेज लेना है, और एवरेज का अंडर रूट लेना है, उल्टा चलना है। स्पीड के, स्क्वायर के, एवरेज के, अंडर रूट को हम वर्ग माध्य मूल चाल बोलते हैं। तो किसी निकाय के अणुओं के चालों के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं। तो सी आर एम एस रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी आर एम एस होना क्या चाहिए, सी आर एम एस क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोला, स्पीड लो, ये स्पीड ले लिया, फिर बोला उसका स्क्वायर करो, ये लो उसका स्क्वायर कर दिया, फिर बोला उसका मीन लो तो ये एवरेज लगा दिया, फिर बोला उसका अंडर रूट लो, ये लो उसका अंडर रूट कर दिया। ये अपने पास क्या हो जाएगा, सी आर एम एस, √mean², तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें सी स्क्वायर का एवरेज लेना है। हमने देखा था कि जब हमने सी का एवरेज लिया था तो 1/n इंटीग्रेशन सी डी एन सी किया था। अगर मुझे सी स्क्वायर का एवरेज लेना है तो 1/n इस सी की जगह सिंपली क्या आ जाएगा, C²dNC आ जाएगा। तो ये देखो, अंदर सी स्क्वायर का एवरेज ले लिया और बाहर उसका अंडर रूट अपन ने ले लिया। इसमें हमारे पास दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो ये अंडर रूट जो है इसमें स्क्वायर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। DNC की वैल्यू हमारे पास ऊपर मिली हुई है, ये रहा हमारे पास DNC की वैल्यू, पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को हमें उस टेबल से नोट करना है, तो टेबल में इस बार कहाँ है, एन की वैल्यू 4 है, तो टेबल में एन की वैल्यू 4 है, तो आंसर कितना आ रहा है, 3/8 π/b^5 और उसकी पावर 1/2। तो ये देखो 3/8 π/b^5 1/2, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये रख दिया हमने, सी आर एम एस हमारे पास इतना आ जाएगा, और बी की वैल्यू जो है यहाँ से इस बी की वैल्यू m/2 kt रखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी आर एम एस। इसी तरह से हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये कौन सी स्पीड होती है, किसी निकाय में सबसे ज्यादा संख्या में अणु जिस चाल से चलते हैं उसे अधिकतम प्रसंभाव्य यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि अगर 10 अणु है तो 8 अणु जिस चाल से चल रहे हैं उसे हम मोस्ट प्रोबेबल कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसकी, तो अगर इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाए तो जब सी की वैल्यू सी एम हो जाएगी उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी हमारी किसे डिनोट हो रही थी, एफ सी से हो रही थी। तो अगर सी के रेस्पेक्ट में ये प्रोबेबिलिटी है C=CM पर, ये प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए, कोई भी फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम जब होता है तो उसका पहला डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमने किसे डिनोट की थी, एफ सी से डिनोट की थी, तो DFC/DC को 0 करेंगे। FC हमने निकाल रखा है प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लेना FC की ये वैल्यू है, इसका C के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो डी बाय डी सी कर दिया और ये एफ सी है इसको जीरो कर दिया। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले 4 पाई n तो बाहर भेज दो, b अपॉन पाई ये तो बाहर भेज दो, और यहाँ पर सिर्फ ये दो फंक्शन रहने दो, इसको पहले ही जीरो कर दो। तो हमारे पास d बाय डी सी, मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ, सी स्क्वायर ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर, उसको जीरो करना है। एक बार सी स्क्वायर का कर देते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं, सी स्क्वायर का हो जाएगा 2c, तब ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, और ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर का एज इट इज, और ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का 2bc इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर और e की पावर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचा c, और यहाँ ये माइनस साइन है, माइनस यहाँ का सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी क्यूब बच रहा है इक्वल टू जीरो। यहाँ पे c कॉमन ले लो, 1 माइनस bc स्क्वायर इक्वल टू जीरो, c तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये 1 माइनस bc स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो 1 माइनस bc स्क्वायर जीरो, c की वैल्यू 1/b हो जाएगा, और b आपका होता है m/2 kt, वो वैल्यू रखोगे तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी आ जाएगी। अब हम अगर तीनों का रेशियो देखें तो cm, c-bar और crms में √2, √8/π और √3 नंबर में देखें तो ये होता है। तो ग्राफ में अगर इनको प्लॉट करें तो ये ग्राफ में देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी वैल्यू 1.2 है, इसकी वैल्यू 1.1 है और इसकी 1 है, तो 1.2 यानी कि सी आर एम एस जो आ रहा है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो सी आर एम एस ग्राफ में सबसे लास्ट में होगा, आगे होगा, बीच में आपके पास होगा सी बार होगा, और सबसे कम जो होगा मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल यहाँ होगा, ध्यान रखना मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे होगा, इस जगह पीक पे होगा, और इसके इधर होगा सी आर एम एस, और इसके पीछे होगा सी एवरेज। ठीक है, सी आर एम एस हो जाएगा, सी एवरेज नहीं सॉरी, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, जिस रेंज में यहाँ पर है उसी रेंज में आप देख लेना ये सीक्वेंस, इस साइड में सी बढ़ रहा है, बढ़ती हुई संख्या के साइड में, तो ये ग्राफ आपको एग्जाम में प्लॉट भी करना है। ये एप्लीकेशंस हो गए उनके स्पीड के टर्म्स में। ठीक है, इंग्लिश में दिखा देते हैं, एवरेज स्पीड सबसे पहले पोज कर लो, इसको देख लो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इनका रेशियो और ग्राफ में इनका रेशियो, दैट्स इट।